आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने लोगों का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है। बाहर का खाना, वक्त बेवक्त सोना, एक्सरसाइज न करना, जिसकी वजह से कई बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी जैसे। लेकिन डॉक्टर फाल्केस होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर में ये सारी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि रिवर्स भी होती है। अब तक हजारों पेशेंट को ठीक कर चुके डॉक्टर रमेश फाल्के का कहना है, सिर्फ अच्छी डाइट और सही वर्कआउट से भी सभी लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर फाल्केस होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर, बिहाइंड हाजी मोटर, बिलो गैलेक्सी होटल, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। अनजान शिकायत पत्र पर 20 दिन बाद दफन हुई बच्ची का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। चौंकाया रिपोर्ट ने। बेरहम माँ बाप ने अपने 18 महीने की बच्ची को उतारा मौत के घाट। माँ बाप को 5 बच्चे थे, उसमें से आखिरी 2 बच्ची जो लड़की होने के कारण उसे पालना नहीं चाहते थे, इसलिए 18 महीने की बच्ची को सर पर हमला कर उतारा मौत के घाट। खबर मुंब्रा की है। मुंब्रा के MM वैली इलाके में जाहिद शेख और उनकी पत्नी नूरानी शेख ये अपने 5 बच्चों के साथ रहते थे। जाहिद शेख मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। जाहिद शेख ने चेंबूर के एक मदरसे से पढ़ाई की और फिर मुंब्रा के धार्मिक स्थानों पर छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। जाहिद शेख को 5 बच्चे थे, अपने आखिरी 2 बच्चियों को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए सबसे छोटी बेटी 18 महीने की, उसके सर पर जाहिद शेख की पत्नी नूरानी ने हथियार से सर पर वार किया और फिर बच्चे के सर से ज़्यादा खून बहने से बच्चे को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जाहिद शेख और नूरानी शेख अपने सबसे आखिरी 2 लड़कियों को पालना नहीं चाहते थे, इसलिए घर पर ही 18 महीने की बच्ची पर हथियार से हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए माँ बाप ने रचा ढोंग और बच्ची की हत्या को बताया भूत प्रेत का साया। पहले तो हमारे पास जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें भी ये भूत प्रेत के हिसाब से ही वो एंगल से ही उनको मारा गया है ऐसा हमको एप्लीकेशन मिला था। जिसने एप्लीकेशन किया था संतोष महादेवगर के नाम लिखा था, शिवाजी नगर मुंब्रा का एड्रेस डाला था, हमने वहाँ पर जाके ढूंढा लेकिन वह नाम का पते का आदमी मिला नहीं। वो उन्होंने ऐसा बेनामी अर्जी किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन में जो बात लिखी गई थी वो सीरियस थी, इसलिए हम लोगों ने सीरियसली लेके उसमें इंक्वायरी की और वो जो घटना बताई गई थी उसमें से हमने ढूंढ के निकाला तो ये घटना सच निकली कि वो जो 18 महीने की लड़की थी उसको उसके माँ बाप ने मारा था। लेकिन उसमें जो इंक्वायरी में ये एंगल निकला कि भूत प्रेत का एंगल नहीं निकला, ताकि उसमें उनको 5 बच्चे थे, पहले 2 लड़के हैं, बाद में 3 लड़कियां हैं, लास्ट की 2 जो लड़कियां हैं वो उनको उनसे संभाली नहीं जाएगी करके उन्होंने उनको मारने के लिए प्रयास किया था। और ये जो मर गई लड़की उससे बड़ी लड़की एक है हबीबा नाम की जो लड़की है 3.5-4 साल की, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे इंजरीज वगैरह किए थे जिसके लिए उसके ऊपर केस भी रजिस्टर हो चुका है। दोनों माँ बाप जो है इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं क्योंकि पिताजी जो है इस्लाम से पढ़े हुए, माँ भी इस्लाम से पढ़ी हुई, जिस तरीके से दोनों तो क्या इसमें एंगल सामने नजर आया, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस दौरान लिखी है उस दौरान भी हॉस्पिटल वाले ने भी जो है कोई कंप्लेंट नहीं किया था, माँ ने जो बच्चे को उठाकर डायरेक्ट कब्रिस्तान में जिस तरीके से लिखी है, तो किस तरीके से एंगल पूरा सामने, क्योंकि महीने भर से आपकी जो जाँच एजेंसी इसके अंदर जुड़ी हुई थी, किस तरीके से ब्लू मिला इसके अंदर? यहाँ पर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं है, बाकी उन्होंने मदरसे में शिक्षा ली है, माँ ने तो कोई स्कूल गई नहीं, लेकिन जो बाप है उसने तो दूसरी तक पढ़ा है, बाद में उसने मदरसे में शिक्षा ली है, और बाकी तो उनका पुअर बैकग्राउंड है, पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो कुछ प्रोग्राम करके जो मिलेगा वो काम करके गुजारा करते थे और वो हिसाब से वो बच्चों को नहीं पाल पाएंगे, वो हिसाब से उन्होंने ये काम किया है। सर ये जो केस को उस टाइम पे जब जांच चालू हुई, जब ये एलिगेशन आई थी, एलिगेशन जो थी वो भी फेक मानी जा रही है, उसके अलावा जब ये माँ बाप को पकड़ा गया तो माँ के अंग पे कुछ आता है या बाप के अंग पे कुछ आता है ऐसा भी इसको रोक दिया गया था? नहीं समझा नहीं सवाल। माँ के अंग में कोई कब्बी या कुछ आता है और उस वजह से वो बच्चों को घायल करती है, ऐसा भी एंगल इस केस में दिखाई दे रहा था? कंप्लेंट तो वही एंगल से प्राप्त हुई थी, हमने वो एंगल से भी ढूंढा क्योंकि वो एंगल हमको ढूंढना ज़रूरी था कि जो डेंजरस एंगल है, लेकिन वैसा वो एंगल से कुछ ऐसा एविडेंस या तो कोई ये नहीं मिला, इसलिए वो एंगल नहीं लगाया।
सर ये बच्चों को घायल करा जा रहा था और जिससे ये बच्ची जो थी पहले मैकपॉट में जो एडमिट करने लेके गए तो उसके सर पे काफ़ी वार थे और वो मतलब कोई चोट के निशान नहीं दिख रहे थे और जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्होंने भी मतलब ये उनके पेपर में कह रहे हैं ये हमने लिख दिया था इसे पुलिस में MLC भेजना चाहिए मगर हॉस्पिटल वालों ने भेजा और उसके बाद में बच्ची की वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान फिट आने से डेथ हो गई और फिर उन लोगों को MLC दे दी गई और बच्ची को दफनाया गया और फिर आप लोगों ने अपनी इंक्वायरी में रिटर्न लिखा और उसमें एक रूप ये भी दिया था बच्ची के साथ कुछ बाप ने गलत भी किया है ऐसा कुछ मतलब आपकी जांच में आया है क्या? नहीं वो हमने हमको वो एंगल से भी इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन करना तक कर लिया है गलत जो किया है बोल रहे वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है पोस्टमार्टम में हमने थ्योरी डॉक्टर को पूछी थी तो वो एंगल नहीं है। सर ये बोईवाड़े में भी ये इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था 326 तो वो क्यों दाखिल हुआ था और वो उसका रीज़न क्या था? वो एक कपल ने उनकी जो सेकंड लास्ट लड़की थी उसको झारखंड में उसकी जीप उन्होंने बीच में से काट दी थी और चेहरे पे उनके उसके उन्होंने स्टैब किया था इंजरीज की थी तो वो ट्रीटमेंट के लिए वो KM हॉस्पिटल बॉम्बे में आए थे जो कि कानूनी कार्रवाई है कि उन्होंने MLC करना चाहिए तो KM हॉस्पिटल में MLC लोकल पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा में थी तो भोईवाड़ा ने वो उसमें गुना दाखिल करके जहाँ पर घटना हुई थी झारखंड में वहीं पर वो केस भेज दी गई है। सर आपके लिए सवाल जिस तरीके से माँ बाप ऐसे बच्चों के ऊपर अगर वारदात करते हैं तो आपके माध्यम से माँ बाप को क्या आह्वान रहेगा क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जिस तरीके से केस में जो है लगातार आरंभ हो रहे थे कि जिस तरीके से माँ और बाप ने मिलकर बच्ची कट कर दी? इसमें ये तो ये कहना पड़ेगा कि अगर चलो मान ले कि गरीब है बच्चों को संभाल नहीं पाते लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी इतनी सारी स्कीम्स है जहाँ पर ये बच्चों को ये कर सकते हैं रख सकते हैं बच्चों में चिल्ड्रन होम है वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जाता है कोई धंधा काम धंधा सिखाया जाता है बहुत सारी स्कीम से वो करना चाहिए। अब ये मामले में दोनों माँ बाप अंदर है तो उनके 3 बच्चे हैं वो भी कुछ 8 साल 5 4 बच्चे हैं तो उन्होंने उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया और वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उनका ख्याल रख रही है वो बच्चे वहाँ पर खुश है अभी। PC इनकी 15 तारीख तक थी फर्स्ट अरेस्ट से आज इनकी PC 18 तारीख तक बढ़ाई दी गई है। पुलिस ने दोनों माता पिता को थाने कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने 18 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिद शेख और नूरानी शेख के बचे 4 बच्चों को पुलिस द्वारा बाल सुधार गृह में भेज दिया गया।